24 अक्टूबर 2016 को मीडिया में एक बड़ी खबर आती है कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को उनके पद से निकाल दिया गया है और रतन टाटा दोबारा खुद से फिर चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले कभी भी किसी बड़ी कंपनी में उनके चेयरमैन के साथ ऐसा नहीं हुआ था और ये बात साइरस मिस्त्री को अच्छी नहीं लगती है और वो कोर्ट में चले जाते हैं और टाटा ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा केस फाइल कर देते हैं। अगले 5 सालों तक ये केस चलता है और 3 अलग अलग कोर्ट्स में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सही था, रतन टाटा या साइरस मिस्त्री। आइए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो 21 सालों तक टाटा ग्रुप को चलाने के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पद के लिए एक बड़ा उम्मीदवार खोजना चालू किया और यहाँ पे उनकी खोज आके खत्म होती है साइरस मिस्त्री के ऊपर। साइरस मिस्त्री का खुद का भी एक काफी बड़ा बिजनेस था, शाहपुर जी पन्नून जी ग्रुप, जिसका कंस्ट्रक्शन और वाटर प्यूरिफिकेशन का एक बड़ा काम था और इनका रेवेन्यू करीब 28,000 करोड़ से ज्यादा हर साल का हुआ करता था। साइरस मिस्त्री की फैमिली ने साल 1960 में जेआरडी टाटा के छोटे भाई दुरादी टाटा से करीब टाटा ग्रुप का 18.4% स्टेक खरीदा था और इसके बाद मिस्त्री फैमिली टाटा सन्स में सिंगल लार्जेस्ट होल्डर बन जाती है, क्योंकि टाटा सन्स के अगर ग्रुप को हम देखें तो उसमें टाटा ट्रस्ट का करीब 65.89% स्टेक है, शापोरजी ग्रुप का 18.4% और अदर्स का 15.71% और यहाँ पे रतन टाटा का स्टेक 1% से भी कम उन्होंने खुद का हमेशा से रखा, जिस वजह से अब रतन टाटा के लिए सबसे अच्छे जो कैंडिडेट बनते हैं वो साइरस मिस्त्री बनते हैं, क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच में रिलेशन काफी अच्छा था। यहाँ अगर हम टाटा सन्स को समझने की कोशिश करें तो टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनके मेजर स्टेक्स टाटा सन्स के ही अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो TCS के करीब 72% स्टेक्स, टाटा मोटर्स के 35%, टाटा स्टील 33%, टाइटन के 25%, इस तरीके से सारी कंपनियों के मेजर स्टेक्स टाटा सन्स के ही पास है, जिसमें टाटा सन्स को सबसे ज्यादा रेवेन्यू TCS ही दिया करती है। तो इन सारे जो ग्रुप्स हैं इन सब को जोड़ के बनता है टाटा सन्स और टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है यहाँ पे साइरस मिस्त्री को। तो टाटा ग्रुप से निकाले जाने के बाद साइरस मिस्त्री सीधा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और कहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उनके साथ कंपनी में गलत बर्ताव हो रहा है और दूसरी चीज उनको चेयरमैन पद से हटाया जाना का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसमें उनका कोई ओपिनियन नहीं लिया गया। साल 2018 में NCLT इस पूरे मुद्दे को खारिज कर देता है और कहता है कि टाटा सन्स ने जो भी किया वो उनके अधिकारों के अंदर आता है। इसके बाद साइरस मिस्त्री यही नहीं रुकते हैं और वो आगे जाके अपील करते हैं NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में और 18 दिसंबर 2019 को टाटा सन्स के लिए एक बहुत बुरी खबर आती है। यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि साइरस मिस्त्री को दोबारा उनके चेयरमैन पोजीशन पे रखा जाना चाहिए और इस डिसीजन में टाटा सन्स को 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि 4 हफ्तों के अंदर उनको चेयरमैनशिप के पोजीशन पे दोबारा रखा जाए या फिर टाटा सन्स के पास एक और रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो यहाँ पे टाटा सन्स जाके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट जब इस NCLAT के पूरे डिसीजन को देखती है तो वो कहती है कि यहाँ पे कई सारी खामियां हैं जिसको काफी ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्यों ऐसा आया कि रतन टाटा को साइरस मिस्त्री को उनके पोजीशन से हटाना पड़ा, तो इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। तो आइए पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है साल 2009 की, जब टाटा टेली सर्विसेज में NTT डोकोमो जो कि एक जापान की टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी है उसने करीब $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और टाटा टेली सर्विसेज के करीब 26.5% स्टेक खरीद लिए। अब यहाँ इन दोनों कंपनीज के बीच में कुछ कंडीशन और कुछ एग्रीमेंट्स भी रखे गए। इस एग्रीमेंट में था कि टाटा टेली सर्विसेज अगले 5 साल में कुछ टारगेट सेट किए गए कि अगर वो अचीव कर लेती है तो NTT डोकोमो और ज़्यादा अपने डबल कर देगी स्टेक, मतलब 50% से ज़्यादा स्टेक खुद खरीद लेगी। लेकिन अगर ये टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती है टाटा टेली सर्विसेज, तो यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज को फिर से अपने सारे स्टेक वापस वो पैसे चुका के खरीदने पड़ेंगे या फिर किसी और को बिचवा देना पड़ेगा जो स्टेक NTT डोकोमो के पास है, जिससे कि उनको भी लॉस ना हो। तो इसके बाद टाटा टेली सर्विसेज अगले 5 साल में अपने टारगेट्स को मेट नहीं कर पाती है, जिसके बाद उनके पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन बचता है, या तो जो NTT डोकोमो के पास 26.5% स्टेक है वो किसी और को बिचवा दिया जाए या फिर उसको आधे रेट में टाटा टेली सर्विसेज खुद खरीद ले वो स्टेक और वो पैसे NTT डोकोमो के पास चले जाएं। लेकिन इसी बीच RBI के कुछ नए लॉज आ जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ अगर पहले का कोई भी डील किया गया है तो वो कैंसिल करा जाएगा और जो भी कंपनीज अब अगर आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगी या कंपनी के कुछ स्टेक्स बेचेंगी
तो उनको आज के रेट पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब टाटा टेली सर्विसेज अपना वैल्यूएशन करती है तो वो देखती है कि उनके शेयर की उतनी वैल्यू नहीं है, तो वो उतना ज्यादा पैसा एनटीटी डोकोमो को नहीं देना चाहती थी। और इसके बाद एनटीटी डोकोमो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाती है, जिसमें एनटीटी डोकोमो केस जीत जाती है कुछ टाइम में। और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और वो रिकवरी के लिए अपील करती है और टाटा टेली सर्विसेज को वो पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब ये बात रतन टाटा को ठीक नहीं लगी और यहाँ पे रतन टाटा का ये कहना था कि हमने जो भी पहले डील किया है हमें उस पे खड़े रहना है, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो, क्योंकि पूरे दुनिया में टाटा सन्स की जो इज्जत है वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। अब टाटा टेली सर्विसेज टाटा सन्स के अंदर आती है, जिसके चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। तो यहाँ पे साइरस मिस्त्री वो पैसे वापस नहीं करना चाहते थे, उनका यही कहना था कि हम उनके घाटे का क्यों हम अपने ऊपर सर पे ले। तो जिस वजह से रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में पहला कंफ्लिक्ट उठा। अब यहाँ पे दूसरा कंफ्लिक्ट आता है, रतन टाटा ने जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया तो उनका यह कहना था कि शापोरजी पल्लोनजी ग्रुप, जो कि साइरस मिस्त्री की अपनी कंपनी थी, वो कभी भी टाटा सन्स के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि अगर बिजनेस होगा तो उससे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उठेंगे। तो यहाँ पे अक्टूबर 2013 में साइरस मिस्त्री ने सारी कंपनीज को एक लेटर भी लिखा था कि कोई भी कंपनी शापोरजी ग्रुप से कोई भी डील नहीं करेगी। लेकिन बाद में रतन टाटा ने यह देखा कि कुछ डील्स की गई हैं जिसको टाटा ग्रुप को बताया नहीं गया, छुपा के कुछ डील्स की गई, जो कि रतन टाटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रतन टाटा हमेशा से ये मानते हैं कि हमें अपने वैल्यूज और अपने वर्ड्स पे जरूर टिके रहना चाहिए। उनका सब्र अब जवाब दे रहा था, लेकिन एक और बड़ा प्रॉब्लम उठता है। टाटा पावर, जो कि काफी टाइम से लॉस में चल रही थी, उसने एक बड़ी डील किया। टाटा पावर ने वेलस्पन कॉरपोरेशन को खरीद लिया करीब 9,249 करोड़ में साल 2013 में। और इस डील के बाद टाटा पावर के शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए और उसकी वैल्यूएशन करीब 18,000 से 20,000 करोड़ के बीच में हो गए। लेकिन साइरस मिस्त्री ने इस पूरी डील को टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर से छुपा के रखा और उनको बताया नहीं गया। ये बात जब रतन टाटा को पता चली तो उनको लगा कि ये अब बिल्कुल गलत हो रहा है कंपनी में, क्योंकि टाटा सन्स में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था वो कलेक्टिव डिसीजन होता था, कोई एक पर्सन कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता है। टाटा ग्रुप में करीब 9 मेंबर्स हुआ करते थे, तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन कंपनी में लिया जाएगा तो उसमें उन 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होना चाहिए, जो कि साइरस मिस्त्री नहीं कर रहे थे, वो अपना खुद का डिसीजन ले रहे थे। अब यहाँ पे रतन टाटा का सब्र अब जवाब दे रहा था। रतन टाटा को दिखने लगा था कि पिछले 150 सालों में कंपनीज की जो वैल्यूज थी, जो भी तरीके थे काम करने के, वो अब बदलते जा रहे हैं। इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि अब एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस वजह से उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहले अपने लोगों को भरना चालू किया, जैसे कि पिरामल इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अजय पिरामल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड किया गया, टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवास को अपने चेयरमैन ग्रुप में ऐड किया गया। और इसके बाद एक सुबह रतन टाटा साइरस मिस्त्री को फोन करते हैं और कहते हैं कि बोर्ड तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं है और अब हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से अपना चेयरमैनशिप छोड़ दीजिए, जिसको साइरस मिस्त्री पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। इसके बाद रतन टाटा एक बोर्ड ऑफ मेंबर को उनके घर भी भेजते हैं, जैसा कि रतन टाटा ने बताया, और उनको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन साइरस मिस्त्री फिर भी नहीं मानते हैं। इसके बाद जब 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी एक मीटिंग होती है और उस 9 लोगों की मीटिंग में साइरस मिस्त्री को कंपनी के पद से निकाल दिया जाता है, जिसमें 7 लोगों ने साइरस मिस्त्री के खिलाफ वोट किया, एक मेंबर न्यूट्रल था और एक मेंबर साइरस मिस्त्री खुद उन्होंने अपने पक्ष में वोट किया। इसके बाद साइरस मिस्त्री को कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर पद से हटा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि साइरस मिस्त्री का यहाँ क्या कहना था वो भी हम समझ लेते हैं। साइरस मिस्त्री का ये कहना था कि हमारी जो भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या तो हम उसे बेच दें या तो बंद कर दें, जैसे कि टाटा नैनो को उनका कहना था कि इसे बंद कर देना चाहिए, इसके अलावा एयर एशिया को बेच देना चाहिए, ब्रिटिश स्टील को बेच देना चाहिए, टाटा डोकोमो पे उनका कहना था कि उसके लॉस का जिम्मा हम क्यों ले। और इसके साथ ही साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा पे एक बड़ा इल्जाम ये भी लगाया कि अपना पद छोड़ने के बाद भी रतन टाटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, हर समय रतन टाटा साइरस मिस्त्री को कुछ ना कुछ समझाते रहते थे और जो वो चाहते थे उसी तरीके से कंपनी चलती थी। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि 4 सालों के अंदर करीब 550 ईमेल्स रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में किया गया। तो उनका ये कहना था कि कंपनी से हटने के बाद भी पूरी तरीके से कंपनी में रतन टाटा का दखल था, जिस वजह से वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे थे। ये सारी रतन टाटा की ड्रीम कंपनियां थी और रतन टाटा साइरस मिस्त्री के थ्रू इन सारे सपनों को टूटते हुए देख रहे थे। इसके बाद ही ये सारे इंसिडेंट हुआ और जब एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ टाटा ग्रुप के पक्ष में सुनाया और कहा कि टाटा ग्रुप के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी निकाल सकता है, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट किया है तो वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर हम अभी कल देखें तो यहाँ पे साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई है एक रोड एक्सीडेंट में, जो कि भारत के लिए एक बड़ा लॉस है।
अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे तो ये बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, तो इनके बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। लेकिन साइरस मिस्त्री जी काफी बड़े भारत के बिजनेसमैन थे और उनकी डेथ एक भारत के लिए काफी बड़ा लॉस है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जनरली इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और मिलेंगे अगली वीडियो में हम फिर से।